गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। ये अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ। वॉल्ट वॉल्ट एक ऐप है जिसके थ्रू आप पैसे कर सकते हो, प्लस क्रिप्टो करेंसी में आप SIP लगा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट। आप देखिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ पे SIP का ऑप्शन है। इनके एक्सचेंज में आप प्रो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बाय एंड सेल भी कर सकते हैं, इंस्टेंट स्वैप भी है, हिस्ट्री आप देख सकते हो, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब समय तो रहते ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आप इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जब भी बाई जाए मार्केट डिप में आप उसको खरीद सकते हो। तो जब आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। ये अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ। वॉल्ट वॉल्ट एक ऐप है जिसके थ्रू आप पैसे कर सकते हो, प्लस क्रिप्टो करेंसी में आप SIP लगा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट। आप देखिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, यहाँ पे SIP का ऑप्शन है। इनके एक्सचेंज में आप प्रो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बाय एंड सेल भी कर सकते हैं, इंस्टेंट स्वैप भी है, हिस्ट्री आप देख सकते हो, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब समय तो रहते ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आप इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जब भी बाई जाए मार्केट डिप में आप उसको खरीद सकते हो। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ अपडेट हैं जिसको अपडेट करना बहुत जरूरी था। पहले इनका एक यस बैंक में अकाउंट था, बट अब इन्होंने वर्चुअल अकाउंट काफी चेंज कर दिया है। तो आप इनका वर्चुअल अकाउंट को देख डालोगे कि कितना अमाउंट आपको डालना है। मान लो मैं यहाँ पे 1000 रुपए का डालता हूँ, इंक्लूडिंग फीस इज 117। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगा प्रोसेसिंग यू पेमेंट। ये पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाते हैं और आपसे यहाँ पे वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने को कहते हैं, यानी MobiKwik के थ्रू। तो इन्होंने जो बैंक वाला ऑप्शन था वो हटा दिया है, तो आप वो ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे करना है। आपको MobiKwik के इस वॉलेट में जाना पड़ेगा, वहां पे रिचार्ज करके रखिए और उसके थ्रू ही पेमेंट यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया अभी का अपडेट। मैं इसको वापस ले लेता हूँ, क्लोज करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला अपडेट था कि आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं पैसे को। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, पुराना एक वीडियो है जिसमें उसमें डिपॉजिट के लिए पहले बैंक करते थे, वर्चुअल अकाउंट डालते थे, बट अभी इन्होंने पहले यस बैंक था, फिर उसको हटा के उन्होंने ICICI बैंक लगाया। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन एक्सचेंजेस में हमेशा। सो बेटर रहेगा कि आप पहले एक छोटा अमाउंट डालिए, फिर उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो आपको करना है वो डाल के आप भूल जाइए, फिर अंदर ही अंदर उसमें करते रहिए। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी था आज के टाइम पे, उसकी पोजीशन ये है। आपको पुराने वीडियो आप देखोगे तो मिल भी जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको ऐसा फिक्स डिपॉजिट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी दे रहा है, सामने ही आपको फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन देता है और बोल रहा है कि ENG पे इंटरेस्ट रेट 3.04 APY है। वहीं आप अगर यहाँ पे आप देखो, मेरा माउस यहाँ पे है, तो अगर आप BTC करते हो फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे चूज करते हो YFI पे 3.04 अगेन है। फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ मैं, वही BTC आप चूज करते हो, BTC पे 6.70 APY है जिसका अमाउंट ज्यादा है, तो फिर आप ज्यादा अमाउंट वाले पे चूज कीजिए और ज्यादा अमाउंट वाले को पे कीजिए। करेक्ट, तो BTC में आप कर दोगे तो 6.07 है। अब उसके बाद एक चौथा था, चलो मैं सुशी भी देख लेता हूँ, सुशी भी कितना है 3.04, यानी ये BTC पे सब दे रहे हैं 6.70। अगर आप यहाँ नीचे देखते हो तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट का रेट दिया, और USDT पे सबसे ज्यादा है 12.68%, USDC पे 12.68%, BUSD पे 12.68%, यानी स्टेबल कॉइन जो भी है DAI पे भी 12.68%, इन पे आपको स्टेबल कॉइन्स पे आपको ज्यादा मिल जाएंगे। बट मैं स्टेबल कॉइन की जगह BTC पे लेना चलो मैं तुरंत ही आपके लिए एक फिक्स डिपॉजिट ओपन कर देता हूँ। जो भी अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है BTC का, मैं उसका 25% यानी 752 रुपए मैं यहाँ पे क्रिएट फिक्स डिपॉजिट करता हूँ। क्लिक हो गया, करेक्ट। तो मेरा पे आउट अमाउंट है BTC का 0.00219 5 February को शुरू हो गया। अब हम इसको चलो चेक कर लेते हैं फिर कि हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप यहाँ देखोगे तो मैंने ये BTC का बनाया है, ये BTC का पूरा बना दिया है। अभी आप देखो 6 January को किया है 0.002189, यहाँ पे 0.002189
984 मुझे मिल। बीटीसी की प्राइस कुछ भी हो बट ये क्वांटिटी की बात है, ये क्वांटिटी मुझे आज के टाइम पे अलॉट हुई है और यही क्वांटिटी मुझे इससे थोड़ी सी मतलब 6 पॉइंट की जो कि भी कैलकुलेशन आएगा उसके हिसाब से मुझे 6 फरवरी को ये ऑटोमेटिकली, मैं चाहूं तो इसको ऑटो रिन्यू करूं यानी हर महीने ये लेता जाए या फिर मैं इसको वो कर दूं, तो मैं इसको ऑटो ऑफ कर दूंगा राइट। तो ऐसे ही आप कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो इसमें जैसे मैंने ईएनजी 17 दिसंबर को एक चालू किया था, 17 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है तो 67% कंप्लीट हो चुका है राइट। जैसे मैच्योर होगा ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ आ जाएगा। अब दूसरी बात है, इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है वर्ल्ड में कि अगर आपने पैसा इसमें डाल के रखा है यानी आपने क्रिप्टो, अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपने क्रिप्टो खरीद के रखे हैं, ये रखे हैं तो आपको इनको रखने पे, अगर मान लो आप इनका एफडी नहीं करते हो, एफडी कर रहे हो तो आपको तो पैसा मिल ही रहा, लेकिन अगर आप एफडी नहीं कर रहे हो बस लेके रख लिया है तब भी आपको इंटरेस्ट रेट, कुछ इंटरेस्ट जो इनका है अमाउंट उस हिसाब से वो आपको पे आउट देते रहते हैं। वीकली पे आउट आता है, ये वीकली पे आउट आता है, आपको एसएमएस आ जाएगा, आपको मेल पे आ जाएगा कि हाँ आपको वीकली पे आउट दिया जा रहा है। तो जो भी अमाउंट आपका पड़ा हुआ होगा बहुत कम परसेंटेज है बट आप देखिए ना उसी कम परसेंटेज से मेरा 340 रुपए हो गया होगा, साल भर भी नहीं हुआ है मेरे को, 4-5 महीने ही हुए इस वर्ल्ड पे आए हुए लेकिन मैं 340 कमा चुका हूँ। 340 रुपए कम नहीं होते हैं, आप लॉन्ग टर्म से हिसाब से देखो तो मुझे वो फ्री के 340 मिले हैं। ये इंटरेस्ट अर्नड मैं अलग बता रहा हूँ, पहला हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट, दूसरा हो गया 340 रुपए काम। अब हम चलते हैं एसआईपी आप कैसे शुरू कर सकते हैं राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपका एसआईपी कैसे हो सकता है राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ क्रिएट न्यू बास्केट में आना है, आपको एक एसआईपी शुरू करनी है। मान लो अभी किस पे एसआईपी शुरू करो, मान लो मैं बीटीसी पे ही, बीटीसी पे नहीं करता हूँ, मैं सीआरबी पे एक एसआईपी शुरू करता हूँ ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट एलोकेशन आप दबाओगे, ये पूछेगा कि आपको डेली एक एसआईपी डालनी है, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने या 6 महीने के लिए, मैं बोलता हूँ मुझे बस 1 महीने के लिए डालनी है। अभी पूछेगा आपसे कितने अमाउंट का डालना है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 160 रुपए बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे 165 रुपीज का रोज ये सीआरवी मेरे लिए खरीद के रख ले ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट एपी करता हूँ ये यहाँ पे ये ले लेगा, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बन चुका है मेरा 29 डेज के लिए 165 का ऑन गोइंग। अब यहीं पे मैं नीचे जाता हूँ, मैंने कई वो बना के रखे थे, इतना बनाना नहीं चाहिए बट मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा नया बना देता हूँ, तो ठीक है जब होता है होता है ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, अगर आप देखोगे तो इनसफिशियंट बैलेंस है क्योंकि मेरे बाहर डैशबोर्ड पे क्यों 998 रुपीज ही है भाई मेरे वॉलेट में, बाकी सब पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, तो इसीलिए ये इसको इनसफिशियंट फंड बता रहा है राइट। जैसे ही वहां पे फंड आएगा वो वापस उसको ले लेगा। अभी मैं बोलता हूँ डेली इसका कितना लगाया मैंने 165 का, अभी मैं इसको रिज्यूम कर दूं राइट, रिज्यूम कर देता हूँ इसको, मैं रिज्यूम कर दिया तो ये क्या करेगा अपने टाइम पे हिसाब से ये इसको बाई कर लेगा 999 को, 999 रुपीज ऑलरेडी है तो ये खरीद लेगा। मैं इसको क्यों रिज्यूम करूं, मैं बिटकॉइन को रिज्यूम कर लेता हूं ना करेक्ट। अब देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, चलो मेकर यहाँ। अब दूसरा थोड़ा सा भटक गया था अपना कहानी गड़बड़ हो गई इधर से उधर, तो आपको भी मैंने क्या दिखा दिया एक एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी 165 रुपीज का डेली ये आपके लिए सीआरवी खरीद लेगा। अगर आप बिटकॉइन में लगाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, ये बिटकॉइन कहीं भी मैं लगा के दिखा, सबसे नोन है लोगों को पता चलता है, क्रिएट एलोकेशन करता हूँ। आपको याद रखिए आपको बाय डिप पे नहीं डेली पे क्लिक करना है, डेली वीकली मंथली जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहो, मैं डेली क्लिक करता हूँ, मैं 1 मंथ का ऑप्शन चूज करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 मंथ का क्यों करूँ, मैं इसको डेली करता हूँ और इसको मैं चूज करता हूँ 6 मंथ के लिए ठीक है। और 165 रुपीज का बिटकॉइन ये डेली मेरे लिए खरीदेगा जो भी प्राइस हो उस समय, जो भी प्राइस रहेगी आज के टाइम पे या कल के टाइम पे, जब भी नॉर्मली ये 3 बजे खरीदता है, 3 बजे 3 o'clock की खरीदता है जिसमें आपका ये पूरा ले लेता है ठीक है। आपका 3 o'clock ये खरीद लेगा और फिर उसके हिसाब से बाई, अगर यहाँ पे अभी कर लेते हो ये बाई कर लेते हो तो ये हो गया आपका एसआईपी। अब आप चाहते हो कि ये डिप में खरीदे यानी आज मार्केट डाउन हो गया, आप सो रहे हो या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो आपको कुछ भी नहीं पता, एक मार्केट क्रैश हो गया और आप चाहते हो कि वो जब डिप हुआ है मार्केट गिरा है तब जाके वो खरीद ले, क्योंकि ऐसे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे अभी मैंने माना ले लिया, माना को ले लिया कि ये भाई अब डिप में खरीदेगा, 10% ये गिरे माना तो ये खरीदे, बाय द डिप ऑप्शन है ठीक है, 2% 5% 10%,
तो मैं 10% ना करके माना क्योंकि बढ़ने वाला है, तो मैं 5% पे डालूंगा और इसको मैं देखता हूँ कि मिनिमम अमाउंट क्या है। मिनिमम अमाउंट है 1300 रुपए, तो मैं क्रिएट एक AIP बनाऊंगा, ये क्रिएट AIP बन जाएगी 1300 रुपए की। अब देखो तो बाय द डिप यानी जब भी मार्केट गिरेगा 5% से ज्यादा का, वो अपने आप 5% से ज्यादा होने पर अपने आप खरीद लेगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे डेली आप खरीद सकते हो, खरीदेगा जो भी प्राइस है उस पर खरीदेगा। ये वाला हो गया डिप, बाय द डिप वाला ऑप्शन होगा जहां पे जब मार्केट क्रैश होगा और वो -5% पे जाएगा माना, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि मेरे वॉलेट पे पैसा होना चाहिए, वरना वो इनसफिशियंट बैलेंस करके उसको ऑफ रखेगा, पॉज रखेगा। एक्चुअली वो पॉज रहता है, ऑफ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपके अकाउंट यहाँ वॉलेट में पैसा आता है कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अभी ये सब वो दिख रहे हैं तो मैं नॉर्मली डैशबोर्ड पे जाता हूँ और ये कॉइन्स जो दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वो कॉइन्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं आपके पास आज के टाइम पे। कैसे है आप यहाँ देख लीजिए, ENG दिख रहा था, ENG का मेरे पास स्टॉक है 3853 का, फिर YFI है 30, BTC है 299, SUSI है। ENG क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके मैंने मोस्टली फिक्स डिपॉजिट करके रखे थे जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कारण ही ENG ज्यादा है क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं किया, लेकिन उसको फिक्स डिपॉजिट रखा छोटे छोटे अमाउंट, तो वो आ गया था। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब अभी मुझे क्या दिखा, ENG, YFI, BTC एंड SUSI, तो मैं क्या करता हूँ, बाय एंड सेल पे जाता हूँ। सबसे पहले आपको वहां पे एक BTC भी दिखा था, मैं क्लिक करता हूँ BTC को 25%। सी मैंने आपको पहले ही बोला मेरा टारगेट हमेशा 25% है, तो मैं 25% क्लिक करता हूँ, बट मैं सेल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो कम अमाउंट है, मिनिमम सेल वैल्यू है 967, तो नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। तो फिर मैं कौन सा था वहां पे, ENG था, ENG राइट, क्लिक करूंगा उसको वापस 25 करूंगा, नहीं उसके पास वो भी सफिशियंट नहीं है। फिर क्या था, SUSI राइट, SUSI क्लिक करूंगा, देखूंगा भाई नहीं है भाई, ये भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास अभी सेल करने के लिए नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही वहां पे अगर ये 25% में सेल हो रहा है तो मैं सेल कर देता हूँ, फिर वो पैसा उठ के यहाँ से बिकने के बाद यहाँ पे आ जाता है 998 में जुड़ जाएगा, और फिर मैं वहां पे जाके आपका रिज्यूम कर दूंगा, तो मेरा वो रिज्यूम हो जाएगा, तो वो बाई कर लेगा अपने हिसाब से। तो ये इतनी ही डिटेल्स है और इसकी रेफरल लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दोस्तों प्लीज इसके रेफरल लिंक से आप मुझे ज्वाइन कीजिए। 14 लोगों ने ज्वाइन किया, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे मुझे कुछ कमीशन आता है। आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने का ट्रांजेक्शन किया, कितने रुपए डाले हैं, लेकिन मुझे 8 रुपए की कमाई हुई है। तो फिर भी मैं थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आप भी इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर कुछ लगता है तो आप मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन किया, प्लीज रेफरल लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कीजिए, मेरे ज्वाइन कीजिए, आपका फ्रेंड अगर कोई ऑलरेडी वॉल्ड में है तो वॉल्ड उसका रेफरल लिंक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन पे उसको कुछ न कुछ पैसा जाएगा, मिलकर सागर बनता है। तो फिर ये 8 रुपए बुरे नहीं है भाई, 8 रुपए इस साल है, अगले साल 16 रुपए कमाऊंगा, उसके बाद 32 रुपए कमाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे डबल हो सकता है ना पैसा। ये बहुत जरूरी है, आप रेफरल लिंक से ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच आप सबके वैल्यूएबल टाइम के लिए, वर्ल्ड बहुत अच्छा एक्सचेंज है, आप जरूर इसको यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।